हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, जो आज का टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या मैंने बोला है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत, यह है VBT। क्यों हम पढ़ रहे हैं VBT? तो हमने पढ़ा था अष्टक नियम। क्या था अष्टक नियम? अष्टक नियम में था कि तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ अष्टक पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बंध बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध में क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती। तो क्यों होती है? तो कहा गया था, लुईस ने बताया था, लुईस के अनुसार था कि तत्वों के परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे कंपाउंड आए, कुछ यौगिक आए, जिनमें अष्टक पूरा नहीं हो रहा था और फिर भी वो बंध बना रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो रहे थे संयोजकों में। एग्जाम्पल दिखाया था मैंने, PCl5, याद है ना, PCl5, BeCl2। इसमें आप जानते हो फास्फोरस इस प्रकार से था, पांच सीएल लगे हुए थे इस प्रकार से, आप गिन सकते हो। उन्होंने कहा था अष्टक पूरा करने के लिए। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस। फास्फोरस के लास्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन। BeCl2 का आप जानते हो इस प्रकार से होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो चार। यहां पर उन्होंने कहा था अष्टक पूरा करने के लिए, तो यहां पर देखिए अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, बॉन्ड नहीं है बता रहा हूं। यहाँ पे दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं पूरा हो रहा है और फिर भी यहाँ पे बंद, अष्टक पूरा नहीं हो रहा है फिर भी यहाँ पे बंद बन रहे हैं, और यहां पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। क्यों ऐसा, क्या है इसके अंदर? इस बात की जो अष्टक रूल था, अष्टक नियम था हमारा, वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, इस बात को वो समझा नहीं पा रहे थे। और ये देखिए, ये एक दिशात्मक बॉन्ड है, ये मैंने आपको लिखाया है, इसके गुण में दिशात्मक बंध है। तो इसकी जो ज्यामिति है वो अष्टक नियम में नहीं बताएगी कि इसकी ज्यामिति, मतलब इसकी शेप, ठीक है ना, इसकी शेप क्या होगी, आकृति क्या होगी, इसकी कैसी आकृति होगी, ये भी नहीं बता पा रहे थे अष्टक नियम में, लुईस अवधारणा में, या लुईस जो बताया था। तो इसमें जो है बहुत सी बातें थी जो हमारी अष्टक के नियम में सिद्ध या साबित नहीं हो पा रही थी, या उन अष्टक नियम से वो बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसलिए अष्टक नियम फेलियर हो गया। तो उसके लिए क्या बनाया गया? VBT बनाई गई।
वीबीटी थ्योरी बनाई गई। किसने दिया था, क्या क्या था इसमें, सब जानेंगे। ध्यान से सुनना और समझना। हमारे जो वैज्ञानिक थे हिटलर और लंदन, हिटलर और लंदन, इन्होंने दिया था, हिटलर और लंदन ने वीबीटी थ्योरी को बनाया। किस सन में बनाया, 1927 ईस्वी में, ठीक है, 1927 ईस्वी में इन्होंने बनाया। तो जब इन्होंने बनाया तो इनके द्वारा बनाया गया वीबीटी जो सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग एंड स्लेटर, ठीक है ना, स्लेटर, पाउलिंग और स्लेटर ने सन 1830 ईस्वी में इसका आधुनिक रूप बनाया। जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने दूर कर दिया। बनाया हिटलर और लंदन ने सन 1927 ईस्वी में, तो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ बातें रह गई थी जिनको सन 1930 ईस्वी में, मतलब इसके 3 साल बाद पाउलिंग और स्लेटर ने मिलकर जो है इसका आधुनिक रूप बना डाला। जो कमियां थी उन कमियों को यानी कि दूर कर दिया। अब ये एक वीबीटी एक अच्छी थ्योरी आया, एक अच्छा सिद्धांत बन गया। इन्होंने जो कमियां थी उन कमियों को दूर कर दिया। इसके लिए इनको जो है सन 1954 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिटलर और लंदन, पाउलिंग और स्लेटर को 1954 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ये जानकारी दिमाग में कुछ छोटा सा पॉइंट है, रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट हो गया। तो इन्होंने जो है इसके कुछ बिंदु बताए थे, पोस्टुलेट, जिसको हम अभिग्रहित बोलते हैं, बिंदु कुछ बताए इसके, वो क्या है वो हम समझेंगे, वो जानेंगे हम, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए इसको, क्या था इसमें, सन 1927 ईस्वी में हिटलर और लंदन ने, हिटलर और लंदन ने अष्टक नियम में कमियों को दूर करने के लिए या उन कमियों को समझाने के लिए या उन कमियों को दूर करने के लिए संयुक्ता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इस सिद्धांत में, लेकिन इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां थी जिन्हें सन 1930 ईस्वी में पाउलिंग और स्लेटर ने मिलकर संयोजकता बंध सिद्धांत का आधुनिक रूप प्रतिपादित किया। इनके अनुसार इसके निम्नलिखित, इसके अनुसार
इसके निम्नलिखित अवग्रहित हैं। हो गया। अब देखिए वो क्या अवग्रहित हैं, हेडिंग अवग्रहित डाल लीजिए। तो एक नंबर से स्टार्ट करेंगे अब हम और समझेंगे इसको। जो चर्चा हमारी हो रही है वो किस पे हो रही है, सहसंयोजक बंध पे। याद रखना जो इन्होंने बातें की हैं सहसंयोजक बंध पे, उसी की हम बात करेंगे यहां पे। सहसंयोजक बंध, सबसे पहले क्या बताया कि जो संयोजी कोष के अर्ध पूरित, अर्ध पूरित मतलब आधे भरे, आधे भरे मतलब आप लोगों को पता है कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसको बोलते हैं अर्ध पूरित, आधा भरा। अर्ध पूरित कक्षक बंद बनाने के लिए क्या करता है, बंद बनाने के लिए ओवरलैपिंग करता है, मतलब अतिव्यापन करता है, अतिव्यापन करता है। या तो वो ऐसे ओवरलैपिंग करेगा या ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ में कच्छक जुड़ते हैं और नए कच्छकों का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट ये था अतिव्यापन करने का। जो अर्धपूरित कच्छक होते हैं किन्हीं दो परमाणुओं के, अर्धपूरित कच्छक जो हैं संयोजी कोष के अर्धपूरित जो कच्छक हैं वो आपस में मिलकर अतिव्यापन करते हैं। आपस में मिलकर मतलब पहले आपस में जो है वो मिलते हैं और मिलने के बाद में वो नए कच्छकों का निर्माण करते हैं, इसको हम अतिव्यापन बोलते हैं। अतिव्यापन ओवरलैपिंग करते हैं। पॉइंट क्लियर होगा पहला, ठीक है ना। चलिए अभी मैं और एग्जांपल करूंगा तो और भी क्लियर कर दूंगा। देखिए इसमें दो परमाणुओं के संयोजी कोष के, दो परमाणुओं के संयोजी कोष के अर्धपूरित कच्छक आपस में मिलकर, अर्धपूरित कच्छक आपस में मिलकर अतिव्यापन कर, अतिव्यापन कर से अतिव्यापन कर से संयोजी बंध बनाते हैं, से संयोजी बंध बनाते हैं। हो गया। सेकेंड बोले कहा दो परमाणुओं के संयोजी कोष के अर्धपूरित, दो परमाणु तो अगर एक परमाणु का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं समझा रहा हूं, अगर एक परमाणु का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या घूमना चाहिए। नहीं समझे। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन H2 होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर इस प्रकार से बनाते हैं, क्लियर है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये एक हाइड्रोजन के लिए 1s1 के लिए, दूसरा 1s1 के लिए,
ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए ऐसे। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये आपस में ऐसे कह सकते हो ना, या ये कह सकते हो कि आपस में जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर हो जाएगा, तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में बात आई, ये कह रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा विपरीत होनी चाहिए, चक्रण के दिशा विपरीत होनी चाहिए, नंबर तीन समझिए, आपका एक फ्रेंड है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, या कोई भी है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसने आपकी एक उंगली को पकड़ के रखा है, क्या उसे आप ऊपर खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। उसने आपकी चार उंगलियों को पकड़ के रखा है ऐसे, क्या आप खींच पाओगे? उतनी अच्छे से नहीं खींच पाओगे। मान लीजिए उसने आपका ऐसे हाथ पकड़ के रखा है तो आप अच्छे से खींच लोगे ऊपर की ओर। तो इसको मैंने क्या बोला था, ओवरलैपिंग, हाथ को मिलाना, हाथ मिलाना क्या है, ओवरलैपिंग है। क्या कौन सी है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हाथ मिलाना एक ओवरलैपिंग है। तो उसने अगर पूरा आपका हाथ पकड़ के रखा है या आपने उसका पूरा हाथ पकड़ के रखा है तो आप ऊपर खींच लोगे, लेकिन अगर आपकी उसने एक उंगली या दो उंगली या चार उंगली ऐसे पकड़ के रखी है तो आप नहीं खींच सकते हो, छूट जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग कमजोर है, लेकिन जब आपने उसका हाथ ऐसे पकड़ के रखा है तो ये ओवरलैपिंग मजबूत है। तो ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बंद उतना मजबूत बनेगा, क्या मैंने बोला है, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बंद उतना मजबूत बनेगा। तो इसको बोलते हैं बंद प्रबलता, बंद प्रबलता उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। तो कहने का अर्थ हमारा यह है, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बंद प्रबलता उतनी अधिक होगी। तीसरा पॉइंट लिखिए, बंद प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, बंद प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। हो गया नंबर चार, नंबर चार, जब ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, ओवरलैपिंग से, अतिव्यापन से, अतिव्यापन से ऊर्जा मुक्त होती है, ओवरलैपिंग से ऊर्जा मुक्त होती है। पॉइंट नंबर पांच, आपको पता है कि मैंने आपको NH3 का स्ट्रक्चर बताया था, इस प्रकार से होता है, तीन बॉन्ड, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं अमोनिया के पास, एक युग्मित होता है और तीन अनपेयर होते हैं, बताया था। तो इनको हम
जो इलेक्ट्रॉन ये बंद बना रहे हैं इसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, बंद युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या बंद इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के ये बंद इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है। जो बंद नहीं बनाते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, साठ में एलपी लोन पेयर। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिखिए किसी तत्व के परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कोष के, संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं लोन पेयर कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। ठीक है, एक परिभाषा सी हो गई है, हो गए ना परिभाषा सी। अथवा में पॉइंट एक छोटा सा बना के पॉइंट भी लिख लो, क्योंकि अगर आपसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की परिभाषा पूछे तो आप यही लिख देना, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 5। अथवा में एक लाइन में लिख लो इसको, लिखो किसी ठीक है ना, किसी यौगिक में बंद ना बनाने वाले संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना, जैसे भी कहने लिखना चाहो, ये एक लाइन में है, हो गया पांचवा पॉइंट क्लियर है ना। अब देखिए समझिए एग्जांपल, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, सुनना अभी लिखना नहीं आप लोग, पहले आप समझिए इसको, H2 ठीक है ना, तो H2 का कैसे बनाना है, तो आप जानते हैं इसके पास एक अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है कच्छक, ऐसे ही है इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे बढ़ाएगा और ये बनेगा, इसको बोलते हैं लेविस लैंगमुइर, ये लेविस लैंगमुइर के अनुसार है, ये लेविस लैंगमुइर के अनुसार था। हमारा वीबीटी के अनुसार क्या है, पाउली और स्लेटर के अनुसार क्या है वो हम समझते हैं, एस एस है ना, चलिए एस को किस प्रकार से बनाते हैं, गोलाकार होता है एस कच्छक, इस हाइड्रोजन का एस कच्छक प्लस इस हाइड्रोजन का एस कच्छक, एस कच्छक आपस में ये मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, हो गया। ये देखिए यहां पर मिल रहे हैं ये, तो अब इसको आप चाहें तो देखो, यहां से अगर मैं इसको मिटा दूं, देखना ध्यान से, ये चीज अगर मैं यहां से हटा दूं, ये देखो मिल गया, मिल गया और मिलकर एक कच्छक बन गया, एस और एस मिल गया,
ये आपस में जुड़ गया, ओवरलैपिंग हो गई। ये क्या हो रहा है यहां पे? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन हो रहा है यहां पर, और अतिव्यापन से ये बन गया हमारा H2। ये H2 का निर्माण हो गया ऐसे। S मैंने बताया था गोलाकार होता है, P बताया था डंबल होता है, D बताया था द्वि डंबल होता है, याद है ना? तो ये शेप याद रखना किसकी किसकी होती है, कैसे होती है, इसका गोलाकार हो गया। तो आप देख रहे हो ये S है, ये भी S है, तो इसको बोलते हैं S ओवर लैपिंग, SS अतिव्यापन। इसी प्रकार से SP ओवरलैपिंग होता है, PP ओवरलैपिंग होता है। आप पढ़ोगे देखोगे, एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। तो क्या बोला गया था, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आधा है, ये भी इसमें क्या है, आधा है, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं के अर्ध पूरित कच्छक, और ये बाह्य कोष है, और बाह्य कोष को संयोजी कोष बोलते हैं, तो ये संयोजी कोष था, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अर्ध पूरित, आधे भरे हुए हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, आपस में देख लो ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं, और मिलने से देखिए पूरा एक कच्छक बन गया, दो S जुड़े आपस में और एक कच्छक का निर्माण कर दिया, तो इसको SS ओवरलैपिंग कहते हैं। एक S हो एक P हो तो उसको SP ओवरलैपिंग कहते हैं, दोनों PP हो तो उसको हम PP ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? बाकी जो उसकी एग्जांपल, जो उसकी डिटेलिंग है, वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।